समय के क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर जनपद प्रशासन के तत्वावधान में मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल के द्वारा सीआरसी परिसर में दो दिवसीय निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि शासन आदेश द्वारा दिव्यांग जनों को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस शिविर में लगभग 75 दिव्यांगजनों का टीकाकरण कराया गया। उन्होंने नागरिकों से अपील किया कि जो अभी टीकाकरण नहीं कराए हैं वो जल्द से जल्द टीकाकरण करा लें, क्योंकि कोरोना का खतरा आते दिखाई दे रहा है। इसलिए सभी जनपद वासियों से आग्रह है कि टीकाकरण जरूर कराएं और शासन के गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाना, 2 गज की दूरी तथा सैनिटाइजेशन करना व्यवहार में लाएं और इस बीमारी से बचें। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, साहब श्री सीताराम जायसवाल सर जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोरखपुर जनपद के हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। और आज मैं उनका भी हार्दिक तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। जैसा कि सीआरसी गोरखपुर विगत 3 वर्षों से दिव्यांगजनों लिया है उससे जो भी अफेक्टेड दिव्यांगता है उसके द्वितीय प्रोग्राम बहुत दिव्यांगता के रूप में डिप्लोमा इन मल्टीपल डिसेबिलिटी के कोर्स को भी कंटिन्यू करता रहा। टीम मेंबर्स, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स और सभी मेंबर्स का उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करने हैं तो मैं आमंत्रित करूंगा सुश्री अजीता श्रीवास्तव। कोई दिक्कत नहीं पर जो है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी का नाम न लिया जाए तो समारोह अधूरा होता है। एक समय पर मुझे याद है जब दिव्यांग जनों को हम लोग विकलांग जन कहा करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपना संबोधन किया था तो दिव्यांग जन कह करके संबोधित किया था। वहां पर उपस्थित समस्त जनमानस जो है तत्काल जो है दिव्यांग जन का अर्थ खोजने लगा था। जो मैं जानता हूं दिव्यांग का मतलब होता है दिव्य अंश, जिसे हम लोग ईश्वर का अंश कहते हैं। इसी प्रकार माननीय अपने मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने प्रदेश में से जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से 100% नित कैसे प्रदेश में स्वास्थ्य जनता को स्वस्थ रखा जाए, कैसे हो 24 घंटे। मैं तो सोचता हूँ कि संभवतः आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर वक्त यही सोचते रहते थे कि हम कैसे अपनी जनता को सुरक्षित रख सकते हैं, और उसी का यह परिणाम था कि हम लोग जो है कोविड जैसी महामारी में जहाँ पर पूरा विश्व यह कहता था कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कैसे ये कोविड को नियंत्रण करेगा, हमने कोविड को नियंत्रण ही नहीं किया। नियंत्रण करने की एक राह दी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक टीम 11 थी, जो उसके निर्णय होते थे उसको पूरे देश और पूरे विश्व ने सराहा था। अभी उद्घोषक महोदय ने कहा था कि यहाँ पर परसों जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम जो है 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कराएंगे जो हम आगामी 3 तारीख से करेंगे। जो 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया गया है इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? 5 लाख रुपया दिया गया है, एक नहीं है कि एक बार आप कहीं किसी हॉस्पिटल में गए तो आप 5 लाख रुपया खत्म हो गया। आप 10,000 का इलाज कराते हैं तो 10,000 रुपया उसमें माइनस हो जाएगा, फिर कहीं 20,000 कराते हैं तो 20,000 माइनस हो जाएगा। इस तरह करके 5 लाख रुपये तक का उपयोग एक परिवार साल में कर सकता है। साथ ही आज गोरखपुर में विकलांग जनों को, विकलांग नहीं जिसे दिव्य जनों को टीका करने के लिए समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन शक्तिकरण केंद्र गोरखपुर द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है जिसका कोई सहारा नहीं। मोदी जी योगी जी कहते हैं उसका सहारा सरकार है, आप अपने को अकेला महसूस न करें। सरकार यहाँ के नागरिकों को हर तरह की सुविधाएं स्वास्थ्य से लेकर के राशन
मकान सब दे रही है, सारी चीजें दे रही है जो आज तक कभी नहीं हुआ। गोरखपुर दो चीजों का अब बनता चला जा रहा है, एक तो मेडिकल और दूसरे शिक्षा। हमारे गोरखपुर में जो सरकारी हमारे जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, ये जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान है। कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र में सरकार के मंशा के अनुसार दिव्यजनों का स्वस्थ रखने के लिए यह टीकाकरण अभियान चलाया गया है। इसमें हमारे केंद्र से जुड़े सभी लोग, हमारे CMO साहब और उनके अधीनस्थ अधिकारी यहाँ पर सब उपस्थित हैं, हमारी फ्रंटलाइन वर्करें भी उपस्थित हैं, और सरकार के मंशा के अनुसार जितने भी लोग हैं दिव्यजन हैं उनका टीकाकरण उनको स्वास्थ्य के लिए कराया जा रहा है। यहाँ केंद्र पर 300 से अधिक जगहों पर टीकाकरण हो रहा है। मैं नागरिकों से अपील करूँगा कि जो लोग अभी तक टीकाकरण नहीं कराएं वो करा लें, क्योंकि कोरोना का खतरा पुनः आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसके लिए हमारे हेल्थ विभाग हमारे यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है टीकाकरण करने के लिए। इसलिए हर नागरिकों का जिम्मेवारी बनती है कि वो टीकाकरण कराएं और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो मानक है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, साबुन से हाथ धोना, इसको अपने व्यवहार में लाएं और इस बीमारी से बचने का एक ही रास्ता है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको अपनाएं और स्वस्थ रहें। मैं सभी नागरिकों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ।